नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? और मैं आपके लिए और वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक आईटेल का फ़ोन है, जो कि मैं आपको भी दिखाऊँगा सारी चीज़ें। मेरे पास आईटेल के दो फ़ोन हैं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आईटेल के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो फ़ोन हैं। ये दोनों फ़ोन FRP पे हैं और इसकी FRP बहुत ही इजीली तरीके से हम रिमूव करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स कि इनमें FRP लगी है कि नहीं लगी है। स्किप करेंगे और स्किप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा फ़ोन FRP पे लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं यहाँ पे बहुत ही आपको चुटकी में ट्रिक देने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। तो एक इसमें आपने देख लिया, तो मैं इसको दोनों को एक साथ ही इसकी FRP रिमूव करके आपको दिखाऊंगा आगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई भी स्किप का बटन नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपने कैसे किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसकी देख सकते हैं दोनों की, ये आईटेल का एक फ़ोन है और इसमें FRP लगा हुआ है। और चलिए फिर आगे बनते हैं वीडियो में और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसके FRP इजिली रिमूव करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा ही कि मैंने आपको एक फ़ोन दिखाया, आईटेल का दो फ़ोन दिखाए थे, एक नहीं एक्चुअल में हमने दो फ़ोन दिखाए थे आपको यहाँ पे। तो चलिए इन दोनों फ़ोनों को आपको मिरेकल के थ्रू हम यहाँ पे दिखाएंगे, मिरेकल से आप कैसे इजीली तरीके से उसकी FRP आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि आपने उसका इंट्रो देख ही लिया है। ये मैं बता दूँ, ये मॉडल है, ये दोनों एक ही मतलब मॉडल जैसा है, A44 Air और एक A44 Power। ये A44 Power है और ये A44 Air है, जैसा कि अगर थोड़ा सा आपको दिखाई दी जाए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं एयर। तो ये दोनों फ़ोनों को मॉडल हैं प्रॉपर तरीके से। तो चलिए तब से मैं मिरेकल खोल लेता हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ लाइव। तो यहाँ पे मिरेकल खोल लेते हैं, तो थोड़ी सी बातें चलती रहेंगी हमारी और आपकी और ऐस कर देंगे। तो मिरेकल थंडर से मैं काम करता हूँ यहाँ पे, कोई भी क्रैक यूज़ नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्रैक काम करता है, कभी क्रैक काम नहीं करता है, इसलिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ मिरेकल थंडर बॉक्स यूज़ करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए डिवाइस मैनेजर को आपको हमेशा खोल के रखना होता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारे ड्राइवर जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपके ड्राइवर डिटेक्ट नहीं होंगे तो भी एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमेशा आप डिवाइस मेजर को खोल के रखिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो ड्राइवर है वो डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो जैसे ही हमारा मिरेकल थंडर ओपन हो जाता है तो हम इसमें आगे का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इसमें जो CPU लगा हुआ है वो है स्पेक्ट्रम का CPU है, तो हम स्पेक्ट्रम के बेस पे काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो बस जैसे ही हमारा मिरेकल थंडर ओपन होता है, तो मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा। अभी तक हमारे स्मार्ट टेलीकॉम को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे स्मार्ट टेलीकॉम को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और बस जैसे ही मिरेकल थंडर हमारा ओपन हो जाता है, मैं आपको इजीली यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास मिरेकल थंडर है। तो चलिए हमारे मिरेकल थंडर फ्रेंड्स ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा, जिससे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाए। और ठीक है, ये हमारा मिरेकल थंडर हो गया ये। हाँ, अब मैं यहाँ पे सिंपली SPD, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रम का CPU लगा हुआ है तो हम स्पेक्ट्रम बेस पे काम करने वाले हैं। तो इन दोनों फ़ोनों को आपको मैं एक साथ ही दिखा दे रहा हूँ, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना करके। तो चलिए सिंपली अब आपको कहाँ पे जाना है, मैं टैब में आपको बता देता हूँ। टैब में आपको क्लिक करना है, सीधा आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद सीधा आपको रिसेट FRP करना है। रिसेट FRP के बाद आप अपना ब्रांड ले लीजिए, नहीं तो आप सीधा MMC नंबर वाइज भी जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपका आईटेल या फिर अदर किसी भी कंपनी का है तो आप वो ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आईटेल है तो हम आईटेल ले लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसका मॉडल है, जैसे कि आप देख सकते हैं A44 Power इसका मॉडल है, तो हम प्रॉपर मॉडल ले लेंगे, नहीं तो इसका हम जो भी और भी दूसरा मॉडल ले सकते हैं जो इसमें कनेक्ट हो। तो इसमें जो कनेक्ट होगा तो हम इसमें A23 भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसका मॉडल है तो प्रॉपर इसका मॉडल ले लेते हैं, A44 Power ये ले लेते हैं। और आपको एडवांस पे क्लिक करना है। अब सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है।
तो वेटिंग फॉर यूएसबी आ गया है फ्रेंड। तो अब आपको फ़ोन को प्रॉपर तरीके से बंद कर लेना है, फ़ोन को वैल्यूम माइनस, इसकी माइनस दबा करके आपको कनेक्ट करना है पीसी में। तो मैं इसकी माइनस दबा करके कनेक्ट कर रहा हूँ फ़ोन को, मैंने इसकी माइनस को दबा करके कनेक्ट कर दिया है। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे SCI पोर्ट बना चुका है और यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट FRP रिसेट बहुत इजीली तरीके से दिखा दिया है और ये FRP रिसेट हो रहा है फ्रेंड हमारा। देख सकते हैं इस ड्राइवर है, मैंने पोर्ट को स्टक किया हुआ है, यहाँ पे फ़ोन को आपके सामने कनेक्ट किया हुआ है। इसकी बूट की है माइनस, इसकी बूट की है फ्रेंड्स मैं बता दूँ माइनस है, जो कि इसकी FRP रिसेट हो रही है बहुत ईजीली तरीके से रिमूव हो जाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना था फ्रेंड्स, आईटेल अपना ब्रांड चूज़ करना है, अपना मॉडल लेना है और उसके बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना है और सिंपली स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। अगर नहीं होता है तो एक बार आप नैंड पे भी कर लेंगे, जिससे कि उसका नैंड भी नैंड से भी आप कर सकते हैं, नैंड पे भी टिक कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे सिंपली तरीके से अगर आपकी FRP रिमूव हो जा रही है, तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ये रिस्टार्ट हो चुका है फ्रेंड। जैसा कि देखिए हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है, अब ये फ़ोन प्रॉपरली तरीके से ऑन होगा और हम आपको दिखाएंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, जो इसमें FRP लगी हुई थी फ्रेंड्स वो रिमूव हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही फटाक से मैं दूसरे फ़ोन को भी कर देता हूँ, ये प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरे फ़ोन का भी जो था, मैं इस फ़ोन का भी आपको फटाक से करके दिखा देता हूँ, फिर इसमें देखता हूँ कि फ्रेंड्स FRP रिमूव हुई कि नहीं हुई। ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे करके दिखाने वाले हैं, आगे आपको दिखाते हैं। बट इस फ़ोन को भी मैं फटाक से कर देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ईजी तरीके से पता चल जाएगा कि इसकी जो FRP थी फ्रेंड्स वो रिमूव हुई कि नहीं हुई। तो इसको भी मैं कर देता हूँ, उसके बाद दोनों फ़ोन को मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपली मैं फिर से एक बार स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और मैंने वही लिया है क्योंकि एयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली वेटिंग फॉर USB मैं केबल को इंसर्ट करूँगा और जैसे मैं केबल को इंसर्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स देखेंगे पोर्ट बना लेगा और हमारे यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे फैक्ट्री सेट का भी ऑप्शन आ चुका है, अब वही वेट करने के लिए थोड़ा सा बोलेगा और सिंपली तरीके से हमारी FRP इजीली तरीके से रिमूव हो जाएगी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही हो जाएगा तो फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट हो जाएगा तो आपको स्क्रीन में मैं फिर से दिखा दूंगा कि ये रिस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी तक हमारे चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे। तो चलिए बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे उसको FRP को रिमूव करने के लिए। आप सिंपली ये जो भी मेथड मैं बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीका का मेथड होता है फ्रेंड्स। आपको देखिए हो चुका है, अब ये फ़ोन भी ये भी रिस्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल में आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये दोनों फ़ोन था और पीछे आप देख सकते हैं उसकी FRP आपको दिख रही होगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, स्किप करता हूँ और यहाँ पे भी देखिए आप स्किप का बटन आ चुका है। इसमें मैं दिखा देता हूँ, तो किसी एक फ़ोन को मैं प्रॉपर तरीके से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, इसी का दिखा देता हूँ। पर इसमें भी दिखा देते हैं कि हमारा ये स्किप का बटन आया कि नहीं आया फ्रेंड। तो हम इसमें आपको करके दिखा देते हैं, स्किप कंटिन्यू, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नॉट नो करेंगे, स्किप कर देंगे, यहाँ पे भी मोर, एक्सेप्ट। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा इजीली तरीके से FRP डन हो चुका है, जो कि मिरेकल थंडर से आपने यहाँ पे इजीली तरीके से देखा कि इसकी FRP रिमूव हो चुकी है। कोई भी कुछ यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, हमारा जो डाटा है वो तो ऑलरेडी FRP के टाइम पे लॉस होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड ऐसे ही हम इसकी FRP हटा दिखा देंगे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, इसकी FRP थी रिमूव हो चुकी है और इन दोनों के FRP आपको हमने लाइव दिखाया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।